हेलो गाइस, वेलकम टू वीओ एकेडमी। क्लास टेंथ तो आज हम करने वाले हैं। क्लास टेंथ बायोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर, उसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज फाउंड इन नेचर सच एज एयर, वाटर, सनलाइट, सोयल, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं। जैसे कि हो गया हमारे पास एयर, हो गया हवा, हो गया पानी, हो गया सनलाइट, हो गया सोयल, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। जो भी चीज हमें नेचर ने प्रोवाइड करी है, जो बंदे को और आदमी को जो खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है, वो उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। विद देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास दो टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से हैं? दे आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। हमारे पास दो होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। उनको देखते हैं कौन कौन से होते हैं। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास आता है एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट एंड अदर रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी चीजें हैं जो हम थोड़े टाइम में जिसके क्वालिटी को हम अच्छा कर सकते हैं या जिसको हम बढ़ा सकते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं रीन्यूएबल। रीन्यूएबल मतलब वो दोबारा से जनरेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम सनलाइट की बात करते हैं। अगर हमारी सनलाइट आज खत्म हो गई है, आज रात हो गई है, तो सनलाइट कल दोबारा आ जाएगी, वो कभी खत्म नहीं होगी ना। ऐसे ही एयर है, वाटर है, वो भी जो हमारा अर्थ है उस पर एक बहुत मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो ये चीज रिन्यूएबल है। उसके बाद आती है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल में क्या आता है? मिनरल्स आ गए, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स हैं, कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। अब क्या होता है, जैसे मिनरल्स हो गए, हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है, या मेटल्स हो गए, जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड हमारे पास कितना प्रेजेंट है? जितना जो सोने की खान है उनमें जितना गोल्ड है, वही गोल्ड हमारे पास प्रेजेंट है। नया गोल्ड बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, तो ये चीज हम जल्दी से रिन्यू नहीं कर सकते। जितने प्रेजेंट है हमें उतने में ही काम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट व्हिच इज डिस्कार्डेड इनटू द एनवायरनमेंट। दीज वेस्ट पॉल्यूट नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर एंड सोयल। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमंस जो है बहुत सारे काम करता है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या होता है, जो पृथ्वी है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, वो गंदे हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, इवन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज क्या क्या हैं? जैसे हम कई बार हम कैंपिंग पे जाते हैं, तो वहां पे हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, हमने प्लास्टिक को वहीं पे पानी में थ्रो कर दिया या जमीन पे थ्रो कर दिया, तो वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। तो ऐसी एक्टिविटीज हमारी एयर को, वाटर को, सोयल को, सबको जो है पोल्यूट कर रही है। अब नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास क्या क्या दिखाया गया है? नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास दिखाया गया है, ये हमारे पास है फॉरेस्ट, वाटरफॉल हो रहा है, ये वाटर रिसोर्स है, तो ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है। अब ये भी हमारे पास पानी का नेचुरल रिसोर्स है, ये कोई मैनमेड तो नहीं है, ये भी यहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट है, तो ये नेचुरल रिसोर्स है। ये हमारे पास मिनरल्स हो गए, डेजर्ट है, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, एनिमल्स है, एनिमल्स आर ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स, ये इंसान ने नहीं बनाए तो ये हमें नेचर से मिले हैं, तो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमारे पास एनिमल के रिसोर्सेज हो गए, मिनरल के रिसोर्सेज हो गए, सोलर एनर्जी भी हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है, क्रूड ऑयल हो गया, वाटर रिसोर्सेज है, विंड पावर है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, लैंड रिसोर्सेज है, नेचुरल गैसेज हैं। सो हमारे पास कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द 3 आर्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में जो हमारा वातावरण है उसको संरक्षित रखने के लिए हमारे अंदर 3 आर कौन कौन से हमारे लिए यूजफुल है? फर्स्ट है रीयूज, सेकेंड है रिसाइकल एंड थर्ड है रिड्यूस। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा रिड्यूस देखते हैं। रिड्यूस में क्या आता है? दिस मीन्स यूजिंग फ्यूअर नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग रिसोर्स वेस्ट। ये क्या रिड्यूस हमें क्या सिखाता है कि कम करो। कम क्या करना है हमें? जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका सबसे कम इस्तेमाल करना है ताकि वो खत्म या बर्बाद ना हो, एंड अवॉइडिंग रिसोर्स वेस्ट। और रिसोर्स को हमें वेस्ट नहीं करना है। जैसे विंड एनर्जी मिल रही है, कोई हमें और अलग तरह से एनर्जी मिल रही है, तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना है। सो वी हैव टू अवॉइड एंड रिड्यूस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
उसके बाद हमें क्या करना है, रिसाइकल। सेकेंड आर हमारा कौन सा आता है, रिसाइकल। दिस मीन्स दैट द मटेरियल्स यूज टू मेक थिंग्स सच एज पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल्स कैन बी रीयूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग और एक्सट्रैक्टिंग न्यू पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल। इसमें हमें क्या करना है कि हमें नए नहीं बनाने, जो भी हमारे पास पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल्स है, वो हमें नया नहीं बनाना है। जो हमारे पास पुराने ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन्हीं को हमें रीयूज करना है। जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हमारे पास अवेलेबल है तो उन्हीं को हमें पिघला के, या जैसे भी उनकी रिसाइकलिंग प्रोसेस है उनको हमें रिसाइकल करना है दोबारा। और थर्ड हमारे पास आता है रीयूज, जो भी रिसाइकल्ड मटेरियल है उनको हमें रीयूज करना है। दिस रेफर्स टू यूजिंग आइटम्स सच एज प्लास्टिक बॉटल्स यूज्ड टू परचेज जैम्स एंड पिकल्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू स्टोर आइटम्स इन द किचन। जैसे हम जैम परचेज करते हैं, अचार परचेज करते हैं, तो उनकी जो बॉटल्स होती है हमें उनको रीयूज करना है ताकि वो दोबारा से काम आ जाए। एक बार यूज करके हम उनको ना फेंके ताकि एनवायरमेंटल में प्लास्टिक वेस्ट जाने से बचे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, नीड फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें क्या जरूरत है जो नेचुरल रिसोर्स है उनको मैनेज करने की, तो वो देखते हैं। एवरीथिंग वी यूज एंड कंज्यूम इज डेराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज से आ रही है। नेचुरल रिसोर्स डिमांड इज इंक्रीजिंग ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। नेचुरल रिसोर्स की डिमांड हमारी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है, जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुल रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग गांव छोड़ के शहरों में जाके बस रहे हैं, तो वो अब एक घर के तीन घर बनने लग गए हैं। एक घर में से अगर उनके दो बेटे हैं तो वो अलग अलग शहरों में जाके रहने लग गए, तो वो फिर अलग अलग चीजों का यूज भी बढ़ा रहे हैं। एंड देयर अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्स है उनकी अवेलेबिलिटी तो लिमिटेड है। एज अ रिजल्ट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमें प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए नेचुरल रिसोर्स की, ताकि हम उसको मेंटेन करके रख सकें। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इंटेल्स, अब उसमें क्या क्या आता है, हम कैसे कैसे उनकी जो मैनेजमेंट है उसको कर सकते हैं। जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जुडिशियस यूज होता है कि हमें सोच समझ के एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स का यूज करना है और उसको वेस्ट करने से बचना है। सेकेंड हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर नेचुरल रिसोर्स यूज, सो दैट इट लास्ट नॉट ओनली फॉर द करंट जनरेशन बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हमें नेचुरल रिसोर्स की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, हमें जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखना है। नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोटेशन शुड नॉट बेनिफिट अ फ्यू पीपल बट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू ऑल। जो नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोटेशन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक कंपनी ने नेचुरल रिसोर्स का बहुत ज्यादा यूज कर लिया, दूसरे लोग नेचुरल रिसोर्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर कोई फॉरेस्ट है और उसको किसी प्राइवेट बंदे ने खरीद लिया, तो उस फॉरेस्ट का यूज फिर जो नॉर्मल पब्लिक है, जो आम जनता है, वो नहीं कर पाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सब में इक्वल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, व्हेन एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वी शुड ऑल्सो प्लान फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट टू अवॉइड एनवायरमेंटल डैमेज। अगर हम कोई चीज ऐसे यूज करते हैं जो हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट कर सकती है, तो उसके लिए हमें उसका एक अच्छा डिस्पोजल मेथड ढूंढना पड़ेगा कि हम उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ कैसे कर सकते हैं ताकि वो एनवायरमेंट को हार्म ना करे और वो रिड्यूस या रिसाइकिल हो सके। फोर्थ आता है हमारे पास फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में आता है हमारे पास द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की क्या वैल्यू है, क्या महत्व रखता है फॉरेस्ट हमारे जीवन में। फॉरेस्ट हेल्प टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखता है, उसको संरक्षित करके रखता है। फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका नेचुरल घर है वो। फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर, वुड, फ्यूल, मेडिसिन एंड फोडर। हमें एक ईंधन प्रोवाइड कराता है, मेडिसिन प्रोवाइड कराता है और फ्यूल प्रोवाइड कराता है, जलाने के लिए लकड़ी प्रोवाइड कराता है, फर्नीचर के लिए लकड़ी। तो फॉरेस्ट एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों के लिए। फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को कैसे बना के रखता है, जैसे
फॉरेस्ट में जो जितने पेड़ हैं वो हमें O2 दे रहे हैं और CO2 को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हवा का एनवायरमेंटल बैलेंस बना हुआ है और वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बाढ़ आने से रोकते हैं, तो इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखते हैं। फॉरेस्ट हेल्प टू रेगुलेट क्लाइमेट एंड रेनफॉल, क्लाइमेट को मेंटेन करके रखते हैं और रेनफॉल को भी मेंटेन करते हैं। फॉरेस्ट हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स, फॉरेस्ट क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और बाढ़ आने से भी रोकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट स्टेक होल्डर्स, फॉरेस्ट स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जिनका फॉरेस्ट पे अधिकार होता है या जो फॉरेस्ट में रहते हैं किसी भी तरह से, अगर वो लोग फॉरेस्ट से कनेक्टेड हैं तो फॉरेस्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं। पीपल हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट, वो लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है फॉरेस्ट से कनेक्टेड होते हैं। पीपल हु लिव इन एंड अराउंड फॉरेस्ट रिलाई ऑन देम फॉर अ लिविंग, जो लोग ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं और जंगल पे ही डिपेंड है अपने लिविंग, अपने खाने पीने रहने के लिए, हर चीज के लिए, वो फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर होते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हु यूज फॉरेस्ट रॉ मटेरियल टू पेपर, टू मेक पेपर, मेडिसिन, फर्नीचर एंड अदर प्रोडक्ट्स, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो फॉरेस्ट से कच्चा माल लेते हैं, कच्चे माल में क्या क्या आता है, पेपर के लिए कच्चा माल लेके आएंगे क्योंकि लकड़ी से और पेड़ों से ही पेपर बनता है, मेडिसिन के लिए कच्चा माल लेके आएंगे और फर्नीचर, और भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो फॉरेस्ट से बनती हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हु ओन्स एंड कंट्रोल्स द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, गवर्नमेंट का भी अपना एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है जो कंट्रोल करता है और जिसका अधिकार होता है फॉरेस्ट के नेचुरल रिसोर्सेज पे। ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए अलग अलग मुहिम चलाती रहती है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी फॉरेस्ट का स्टेक होल्डर बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हम जो है अपने वन भाग है उसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। फॉरेस्ट कैन बी सेव्ड बाय, किन किन चीजों से हम फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन होता है द प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज, जितना हो सके जितनी ज्यादा अमाउंट में हमें ट्रीज लगाने हैं तो वो होता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट हमारे पास होता है डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन में आता है पेड़ों का काटना, उसका हमें ऑपोजिट करना है, दैट इज एफॉरेस्टेशन। सेकेंड इज प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, जितना भी हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जितने भी आज के टाइम पे पेड़ काटे जा रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन बनाने के लिए काटे जा रहे हैं, चाहे वो हमारा पेपर बनाने के लिए कट किए जा रहे हैं, चाहे वो फ्यूल के लिए कट किए जा रहे हैं, तो या फिर वहां पे कोई नया अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसके लिए जितना भी फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वी हैव टू स्टॉप देम। द थर्ड पॉइंट इज कैटल ओवर ग्रेजिंग प्रिवेंशन, जो कैटल है, जो हमारी गाय भैंसे या जितनी भी कैटल्स होती है, बकरी होती हैं, जो घास खाने वाले पशु, उनके जो ओवर ग्रेजिंग है, जैसे कई लोग होते हैं उनको खुला छोड़ देते हैं तो वो पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस चीज को हमें रोकना है। बाय एस्टेब्लिशिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फेयर रिजर्व एंड सो ऑन, इन चीजों को हमें एस्टेब्लिश करना ताकि फॉरेस्ट बच सके। क्या क्या चीजें हैं वो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फेयर रिजर्व्स हो गए, तो ये अगर नए नए बनते हैं तो उससे हमारे फॉरेस्ट की रक्षा होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंगेजिंग इन लार्ज स्केल सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम सच एज वन महोत्सव एंड द चिपको मूवमेंट टू प्लांट एंड प्रोटेक्ट ट्रीज, तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम थे, चिपको मूवमेंट था जिसमें लोग जो है फॉरेस्ट से चिपक के अपना प्यार दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि हम अगर प्लांट काटे जाएंगे तो हमें भी साथ काटो। तो ऐसे जो कुछ मूवमेंट्स है, या वन महोत्सव जो है सरकार की तरफ से वन महोत्सव चलाया गया है प्रोग्राम, ताकि ये प्रोग्राम सरकार टाइम टू टाइम इसलिए चलाती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाए जा सके और एनवायरमेंट को बचाया जा सके। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ में इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ क्या करती है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखती है। वाइल्ड लाइफ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मेंटेनेंस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, वाइल्ड लाइफ में क्या आते हैं, जितने हमारे एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो सारे हमारे वाइल्ड लाइफ में आते हैं, ये क्या करते हैं, फूड चेन और फूड वेब को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लायन है वो डियर को खाता है, अब अगर
लायन नहीं होंगे, हमारे लायन धीरे धीरे मरते जाएंगे, तो डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या फिर अगर हमारे लायन बहुत ज्यादा बढ़ गए तो डियर सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा लायन होंगे वो उतने ज्यादा डियर को खाएंगे, उतने ज्यादा हिरण को खाएंगे, तो हिरण की पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो जितनी हमारी अच्छी वाइल्ड लाइफ होगी तो उतना हमारा जो फूड चेन है वो बैलेंस्ड होगी। फूड चेन के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड अस विद यूजफुल प्रोडक्ट सच एज फूड, मेडिसिन, लेदर, बोन्स, हनी, लैक एंड सो ऑन। वाइल्ड लाइफ होती है वो हमें ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराती है, चाहे वो हमारा खाना हो गया, मेडिसिन हो गई, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा प्लांट से ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन को, वाइल्ड लाइफ को हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, उसको बचा कैसे सकते हैं, इज द प्रिजर्विंग एनिमल एंड नेचुरल हैबिटेट्स। जो शिकारी होते हैं, जो एनिमल्स को मारते हैं अपने खाने के लिए, उनको हमें बचाना है, और जो लोग नेचुरल हैबिटेट को तबाह कर देते हैं अपने रहने के लिए भी या बाकी किसी अपने इस्तेमाल के लिए, उस चीज को हमें रोकना है। सेकेंड पॉइंट इज प्रोहिबिटिंग एनिमल पोचिंग। एनिमल पोचिंग को, जो एनिमल्स को मारना है या बेचना है या उनकी तस्करी करना है या जितने भी एनिमल्स पे जो टॉर्चर हो रहे हैं उसको हमें रोकना है। द थर्ड पॉइंट इज एनिमल कंजर्वेशन, जो जितना ज्यादा एनिमल्स की सुरक्षा हो सके हमें वो करनी है। फोर्थ इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचुरल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स एटसेट्रा। अब जितना ज्यादा हो सके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स को हमें बनाना है, ताकि हमारी वाइल्ड लाइफ कंजर्व हो सके। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आता है वाटर। अब यूज ऑफ वाटर क्या है हमारी लाइफ में, वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज है। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्स वाटर टू सप्लाई सर्वाइव। हम सभी को जिंदा रहने के लिए वाटर की जरूरत है, नो डाउट। वी यूज वाटर फॉर आवर डेली नीड्स, एग्रीकल्चर। हमें किन किन चीजों में पानी की नीड होती है, एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी के लिए होती है, ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने के लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है, हम कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाने में भी हमें पानी की जरूरत है, रोड बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे हमें पानी की जरूरत है, पानी के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैव अ नेचुरल हैबिटेट इन वाटर। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अपना एक अलग हैबिटेट है पानी के अंदर। ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड पोल्यूटिंग बॉडीज ऑफ वाटर। जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जैसे लोग आज के टाइम पे बीच पे जाते हैं अपनी वेकेशंस के लिए, तो आप बीच पे जाओ लेकिन वो क्या करते हैं, वहां पे अगर कुछ जूस पिया या कुछ उन्होंने खाया, तो वो जो जितना भी वो प्लास्टिक वेस्ट है वो वहां पे बीच पे थ्रो करते हैं, और वो जो उनका वेस्ट है वो पानी को पोल्यूट करता है, और जो पानी के अंदर रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए वहां पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, और उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म होती जाती है। अब नेक्स्ट आता है डैम। डैम क्या होते हैं, जो बांध होते हैं किसी भी नदी पे, या जो हमारा एक वाटर रिसोर्स है वहां पे डैम क्यों बनाए जाते हैं, डैम के क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। इससे क्या होता है, अलग अलग खेतों में एक तरीके से पानी जाता है, क्योंकि नदी का पानी सीधा खेतों में नहीं जा सकता, कोई तो हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा कि जिसके थ्रू नदी का पानी होके खेतों तक जा सके। सेकेंड है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनती है ये सबको पता है, तो वो कैसे जनरेट हो सकती है, वो डैम बनाने के बाद उस वाटर को कंजर्व किया जाता है, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। थर्ड है प्रोवाइडिंग वाटर टू टाउन्स एंड सिटीज। अब डैम से क्या होता है कि डैम बनाने से पानी जो है शहरों में और सिटीज में भेजा जाता है। फोर्थ है कंट्रोल फ्लड्स, ये बाढ़ आने से रोकते हैं, पानी के बहाव को थोड़ा सा कम करते हैं और एक सुचारू रूप से चलाते हैं, ताकि बाढ़ ना आए एकदम से। अब डिसएडवांटेज ऑफ डैम बांध बनाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, फर्स्ट हमारे पास है सोशल इश्यूज। क्या क्या सोशल इश्यू होते हैं, इट डिस्प्लेसेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मेनी ऑफ हुम मस्ट बी रिहैबिलिटेटेड। अब बांध बनाने से क्या होता है कि यहाँ पे जितने जो लोग होते थे यहाँ पे जब, या फिर रहते थे कहीं पे, तो आसपास के लोगों को वहां से खाली करा दिया जाता है कि यहाँ पे बांध बनाया जाएगा, तो उन लोगों को वहां से छोड़ के जाना पड़ता है। सेकेंड हमारे पास आता है इकोनॉमिक इश्यू। इकोनॉमिक इश्यू क्या आता है, इट इज एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक फंड्स। पब्लिक का बहुत ज्यादा पैसा इसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि डैम बनाना काफी एक्सपेंसिव होता है। थर्ड एनवायरमेंटल इश्यू क्या होता है इसमें, इट कॉजेज डिफोरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस।
अब बांध बनाने के लिए क्या होता है, वहां से पेड़ वगैरह काटे जाते हैं तो डिफोरेस्टेशन होती है, बायोडायवर्सिटी हमारी खत्म होती है। थर्ड आता है वाटर पे हमारा, वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, पानी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस और प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। रेन वाटर को हम स्टोर करके रखते हैं ताकि वो भविष्य में हमारा इस्तेमाल किया जा सके। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स। ये जो दिए गए हैं ये सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। फर्स्ट आता है एक्सकेवेटिंग पिट्स, पोंड, लेक एंड सो ऑन। कुछ ऐसे जगह बना दी जाती हैं जहाँ पे पोंड हो गया, तालाब हो गया, लेक हो गई, जहाँ पे रेन का जो पानी है वो हार्वेस्ट करके रखा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल अर्दन डैम्स और कंक्रीट चेक डैम्स। छोटे हमने मिट्टी के हमने ऐसे बांध बना दिए जहाँ पे रेन का पानी आके सुरक्षित सेफली उनमें भरा जा रहा है, तो ऐसे हमें कुछ डैम बनाने चाहिए। थर्ड हमारे पास है डाइक कंस्ट्रक्शन। डाइक ऐसे ही स्टोरेज, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे रेन वाटर को स्टोर किया जा सकता है। फोर्थ हमारे पास आता है रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्शन। रिजर्वॉयर में भी हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास आता है बिल्डिंग रूफटॉप कलेक्टिंग यूनिट इन हाउसेस। हमें छत के ऊपर अगर हम एक छोटी टंकी जैसा या कुछ ऐसा बना दे जहाँ पे बारिश का पानी आके इकट्ठा हो सके, जिसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। जो हमने अंडरग्राउंड वाटर अगर हम सेव कर रहे हैं बारिश का, उसके हमारे पास क्या एडवांटेज है। इट इज डिफिकल्ट टू एवेपोरेट। वो हवा में भाप बन के नहीं उड़ेगा, तो वो लंबे समय तक स्टोर होके रह सकता है। इट डिस्पर्सेस एंड रिचार्जेस वेल्स। वो क्या करता है कि वो फैलता है नीचे जमीन में और रिचार्जेस वेल, उससे कुएं दोबारा भरने लगते हैं। इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर फॉर क्रॉप इरिगेशन। वहां के आसपास की जो मिट्टी है वो गीली रहती है, जिससे कि खेती में मदद मिलती है। फोर्थ वन इज इट इज नॉट इजिली पॉल्यूटेड। वो पॉल्यूट नहीं किया जा सकता ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है, वो कई लेयर से प्रोटेक्टेड है। इट इज नॉट अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाईज। जैसे जो खुले में पानी होता है वहां पे मच्छर होते हैं और मक्खियां होती है, वो अपनी दूसरी प्रजातियां पैदा कर लेते हैं, बट अंडरग्राउंड में ऐसा नहीं हो सकता। ये वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ मेथड दिखाए गए हैं यहाँ पे। ऐसे इसमें स्टोर कर सकते हैं, खुले में भी स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे छत के ऊपर कुछ ऐसे मटके या कुछ ऐसे बर्तन रख के भी स्टोर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को कैसे कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, ये एक अलग से हमने बनाया हुआ है सिस्टम जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्ट होती है। ये कलेक्टिंग कलेक्शन एरिया, यहाँ से पानी आता है इसके थ्रू, और यहाँ पे भी पानी आता है स्टोरेज टैंक में, और यहाँ पे भी ये भी कलेक्शन एरिया है। यहाँ से हम सीधा इसको अंडरग्राउंड में भेज देंगे। अंडरग्राउंड में भेजने के बाद ये जो है कुओं को भर देता है बाद में। सेवेंथ हमारे पास आता है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम आर द फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स इनसाइड द अर्थ। जो कोल होता है और पेट्रोलियम होता है वो बहुत ज्यादा साल, कई मिलियन ईयर्स लगा के बनता है बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स इनसाइड द अर्थ। जो डेड प्लांट होते हैं और डेड एनिमल्स होते हैं, उनका डीकम्पोजिशन होने से धीरे धीरे कई मिलियन ईयर्स की प्रोसेस के बाद हमारा कोल एंड पेट्रोलियम बनता है। दे आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इन्हें हम जल्दी से इजिली नहीं बना सकते क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है। पेट्रोलियम रिजर्व्स में लास्ट अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स। जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो 40 साल तक मैक्सिमम रह सकता है, वाइल कोल रिजर्व्स में लास्ट अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स। पेट्रोलियम को हम सिर्फ 40 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन कोल को हम, जो कोयला होता है, उसको हम 200 साल से भी ज्यादा के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। ये जितने भी एटम्स हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये कोल एंड पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स हैं। व्हेन दे आर बर्न दे इमिट कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये बर्न किए जाते हैं तो क्या क्या, कौन सी गैसेज इमिट होती हैं? फर्स्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सॉरी सल्फर ऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करती है। एंड एसिड रेन इज पोज्ड व्हेन नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स कंबाइन विद मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर।
हमारा जो एटमोसफेयर है उसके अंदर दो गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है, एक हमारी नाइट्रोजन है एंड सेकेंड हमारी जो सल्फर ऑक्साइड है। ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन मॉइस्चर के साथ मिलके एटमोसफेयर में ऊपर जाती हैं और एसिड रेन क्रिएट करती हैं। ये हमारी कोल बनने की प्रोसेस है। यहाँ पे ये इस एरिया से जाके चीजें धीरे 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 डीकम्पोज हो रही हैं। जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो धीरे धीरे डीकम्पोज हुआ है कई मिलियन ईयर की प्रोसेस के बाद। उसके बाद ये लिग्नाइट बना है और लिग्नाइट के बाद ये लिग्नाइट से सारा मॉइस्चर निकल गया। उसके बाद ये क्या कोल बना है और कोल बनने में हमारा बहुत ज्यादा साल का टाइम लगता है। ये हमारे पास एसिड रेन है। एसिड रेन कैसे बनती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके एनवायरनमेंट में जाते हैं और वो जो है H2SO4 और HNO3 की बारिश करते हैं। इनसे क्या होता है, ये इतनी डेंजरस होती है कि इवन इसने जो है ताजमहल का कलर फेड कर दिया है। ताजमहल संगमरमर का बना हुआ था, प्योर संगमरमर एक ऐसा पत्थर होता है जो बहुत ज्यादा व्हाइट होता है, लेकिन धीरे धीरे एसिड रेन की वजह से ताजमहल जो है एक फेड कलर का होता जा रहा है। और ऐसे ही ये ट्रीज को भी इफेक्ट करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यू एकेडमी एंड स्टे कनेक्टेड विद अस टू